हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑलवेज नेचुरल। और आज मैं आप लोगों को रूम का टूर कराने वाली हूँ। तो रूम के एंट्रेंस पे ही देख सकते हैं डोर मैट दे रखा है और वुडन का गेट है, और इसी के बराबर में ही इन लोगों ने एक छोटी सी अलमीरा दे रखी है ताकि आप अपने क्लॉथ्स वगैरह उसमें रख सकते हैं। और गाइस, ये होटल का रूम टूर है जो कि हम लोग अभी थोड़े दिन पहले ट्रिप पे गए थे मनाली, वहाँ का ये रूम टूर है। और यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये बेड रोल भी दे रखा है इन लोगों ने, और ये अलमीरा है तो थोड़ा बहुत कपड़ा हो जाता है, तो इतना स्पेस काफ़ी होता है। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज़्यादा हमें बड़ा चाहिए होगा। यहाँ पर वॉशरूम दे रखा है, वॉशरूम मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। अलमीरा के बराबर में ही आप देख सकते हैं ड्रेसिंग टेबल दे रखी है, और ये बड़ा सा मिरर भी इन लोगों ने दे रखा है। और ये रही मैं, ये तभी का वीडियो है जब हम लोगों ने रूम में एंट्री ली थी, तो मेरी हालत उस टाइम बहुत ख़राब थी बस से ट्रैवल करके। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है ट्रैवल का, तो उसका लिंक आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा, चेक कर लीजिएगा। और ऊपर एक लाइट दे रखी है मिरर के ऊपर ताकि मेकअप वेकअप करने में कोई दिक्कत ना हो। और पूरे रूम में, यहाँ से रूम स्टार्ट हो जाता है, पूरे रूम में इन लोगों ने मैट लगा रखी है, बिछाई हुई है, जो कि काफ़ी अच्छी है क्योंकि ये ठंडी वाली जगह है, और अगर आप स्लीपर कैरी नहीं करते हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, पैर एकदम ठंडे हो जाते हैं। और ये एप्पल की तरीके का बेड दे रखा है, और ये राउंड वाला बेड है जो कि इस तरीके से दे रखा है। यहाँ पर एक कम्बल लोगों ने यहाँ प्रोवाइड किया है, और एक कम्बल लोगों ने अलमीरा में दे रखा है एक्स्ट्रा में। हालाँकि रूम में रूम हीटर भी आपको मिल जाएगा, अगर आप ऐड करते हैं तो रूम हीटर मिल जाएगा, लेकिन नहीं करते हैं तो नहीं मिलेगा। यहाँ पर दो पिलो और दो कुशंस दे रखे हैं, दो टावल भी आपके सामने दे रखे हैं, और अच्छा खासा स्पेस है। इधर वॉशरूम है, और वहाँ पर भी एक डोरमेट दे रखा है, नीचे वुडन का काम दे रखा है। ये बेड तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, मतलब एकदम होता है ना कि मैं फ़र्स्ट टाइम राउंड वाला बेड मैंने सोई हूँ ऐसे बेड पे, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। यही देख के मैंने बुक भी किया था। और देख सकते हैं ये जो इसका सिराना है वो एकदम एप्पल की तरीके का दे रखा है, उसकी लीव्स वगैरह सब वैसे ही बना के दे रखी है। ऊपर भी एक लाइट लगी हुई है ताकि लाइटिंग का कोई इशू ना हो। हालाँकि यहाँ लाइटिंग का कोई भी इशू नहीं है, क्योंकि इतनी अच्छी नेचुरल लाइट यहाँ से जो बालकनी है वहाँ से आती है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ मैं और मेरे हस्बैंड कुछ बात कर रहे थे, वॉइस ओवर बाद में कर रही हूँ। मैंने साथ में वॉइस डाला था, लेकिन आई डोंट नो, बहुत ही ज़्यादा हल्का था और आवाज़ नहीं आती, इसलिए मैंने सोचा वॉइस ओवर बाद में करूँगी। यहाँ साइड टेबल भी दे रखी है ताकि आप कोई भी सामान रख सके। ऊपर लैंप दे रखा है जैसा मैंने आपको पहले बताया, और जो सिराना है वो भी काफ़ी मतलब सॉफ्ट है। यहाँ हम लोगों का लगेज रखा है, जहाँ ड्रेसिंग टेबल है उसका एक टूल भी दे रखा है, तो इस टूल पर ही हमने अपने बैग रख रखे हैं। यहाँ पर नीचे डस्टबिन है, और यहाँ पर भी देखिए वुडन का काम है। सामने टीवी दे रखा है जो कि अभी शायद कुछ सिग्नल का प्रॉब्लम है या बंद कर रखा है, मुझे नहीं पता। और ऊपर इसके एक लाइट दे रखी है, और उसी के जस्ट बराबर में ही देख सकते हैं यहाँ एक छोटा सा टेबल टाइप का दे रखा है। नीचे मेरा ट्रॉली रखा हुआ है, ये कैटल है, ये कैटल इलेक्ट्रिक कैटल है, क्योंकि ऐसी जगह जाके थोड़ा आपको गर्म पानी हो सकता है चाहिए होगा रूम में, तो इन लोगों ने इलेक्ट्रिक कैटल प्रोवाइड की है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। और स्विचेस दे ही रखे हैं, यहाँ फ्रिज दे रखा है, एक मिनी फ्रिज है, अगर ठंडा पानी पीना है, वैसे तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी मुझे लगता है ऐसी जगह ठंडा पानी पीने की, लेकिन फिर भी इन लोगों ने एक मिनी फ्रिज दे रखा है, आप उसका यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने बैग रख रखा है, ऊपर कैटल है, और ये कुछ कप वगैरह रखे हुए हैं। और उसी के एकदम बराबर में ही ये देख सकते हैं टू सेट चेयर का है यहाँ पर, और भी टेबल है, एक एक्स्ट्रा कैटल है जो कि पानी के लिए यूजुअली मंगवाते हैं, तो और ग्लासेस वगैरह दे रखे हैं, ये रिमोट और कुछ हमारा सामान रखा हुआ है, टिश्यू पेपर वगैरह। और ये जो टेबल है यहाँ पर बैठ के आप इन चेयर्स पे, सामने बैल्कनी है तो यहाँ पर अपनी मॉर्निंग टी इंजॉय कर सकते हैं, ब्रेकफास्ट इंजॉय कर सकते हैं अगर आप रूम में खाना चाहें। वैसे तो ऐसी जगह घूमने आए हो तो मुझे नहीं लगता कि रूम में कोई भी सोचेगा कि यहाँ पर ब्रेकफास्ट करें। और ये रही हमारी बैल्कनी, तो बैल्कनी बाहर मतलब ओपन हो जाती है, लेकिन सिटिंग बैल्कनी नहीं है, एक मतलब विंडो टाइप का है, बड़ा विंडो, और बहुत ही अच्छा सुंदर व्यू दिखता है, देख सकते हैं सामने पहाड़ और
पेड़ दिख रहे हैं और लाइट आ रखी है, क्योंकि उस टाइम शाम का टाइम था जब मैं ये वीडियो बना रही थी, तो थोड़ा सा आपको वैसा ही दिखेगा। तो व्यू बहुत अच्छा है, मुझे ये मैंने होटल इसलिए पसंद किया क्योंकि व्यू बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। और इस होटल का नाम है माउंटेन टॉप, आई थिंक यही नाम है, मैं भूल गई हूँ, हाँ या माउंटेन टॉप ही है। तो आपको मिल जाएगा सभी पे, क्लियर ट्रिप वगैरह कहीं से भी आप बुक कर सकते हैं। और यहाँ पे कर्टन्स भी दो कलर के दे रखे हैं, तो जो कि काफ़ी मतलब अट्रैक्टिव लग रहे थे विंडो के साइड। मुझे टू कलर के कर्टन्स बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और बैल्कनी काफ़ी बड़ी है, ये ओपन हो जाती है, इसका जो बीच वाला डोर है वो ओपन हो जाता है, आप चाहे तो ओपन कर सकते हैं, लेकिन बाहर सिटिंग बैल्कनी नहीं है। और कर्टन दे रखे चाहे तो डाल सकते हैं। अब आपको बेड की तरफ मूव कराते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो बेड है इसी के बराबर में ही आपको फ़ोन भी मिल जाएगा देखने को। और ये मेन्यू है, अगर आप अंदर कुछ ऑर्डर करना चाहते हैं तो अंदर ही मिल सकता है। ये गीला आपको इसलिए दिख रहा है क्योंकि सैनिटाइज ऑलरेडी था पहले से ही, लेकिन हमने फिर भी अपनी संतुष्टि के लिए दोबारा सैनिटाइज पूरा रूम कराया था, बेड से लेकर सब कुछ। तो ये स्प्रे वाला सैनिटाइज़र आता है, आजकल आई थिंक सभी लोग रखते होंगे, मुझे और का नहीं पता, लेकिन इस होटल में ये चीज़ थी कि ये बहुत ही ज़्यादा क्लीन था कि सैनिटाइज आपको रूम मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ एक मेन्यू दे रखा था, अगर अंदर कुछ ऑर्डर करना है तो फिर अंदर भी ऑर्डर कर सकते हैं। और यहाँ पर सारे प्राइस दे रखे हैं, इन बाहर से थोड़ा सा महंगा है यहाँ पर, लेकिन रूम सर्विस भी तो होती है, तो फिर इसलिए रूम में हर चीज़ अवेलेबल है। होटल्स में जानते ही है थोड़ा सा कॉस्टली होता ही है, सभी में ही होता है, इसमें कोई अलग नहीं है। इसीलिए पानी दिख रहा है आपको क्योंकि सैनिटाइज हुआ है, तो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाएंगी, अवेलेबल हैं। और खाने पीने का कोई इशू नहीं है, टेस्ट वाइज यहाँ का खाना बहुत अच्छा है, मैं हाँ बहुत अच्छा रेट करूँगी खाने में तो, क्योंकि मुझे काफ़ी पसंद आया यहाँ का खाना। और ये दो टावल दे रखी हैं, टावल भी एकदम साफ़ थी, ऐसा नहीं था कि गंदा था। तो और यहाँ पर इस साइड टेबल है वो तो दिखाई दी, अब आपको मैं वॉशरूम दिखाती हूँ। तो ये वॉशरूम है, यहाँ भी एक डोरमेट दे रखा है एंटर पे ही वॉशरूम के। यहाँ पर हैंगर दे रखे हैं आपको कुछ टांगना वांगना हुआ, कपड़े टावल कुछ भी एनीथिंग, तो उसके लिए भी दे रखा है। शावर दे रखा है, यहाँ गर्म पानी और ठंडे पानी दोनों का प्रोविज़न आता है, चाहे वो वॉश बेसिन में हो जो आपका वॉश बेसिन है, या फिर आपका नहाने के लिए हो। तो ये बड़ा सा मिरर दे रखा है, और ये इन लोगों ने वॉश बेसिन दे रखा है जो कि काफ़ी अच्छा है और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और मतलब नहा फेस धुलते हुए हम लोग खुद को देख सकते हैं। और मैंने यहाँ पर सूट वेयर किया था, आपको बताया था, यहाँ भी मैं बोल ही रही हूँ क्योंकि मैंने इस पर वॉइस डाला था लेकिन आवाज़ कम आया था, तो इसलिए मैंने वॉइस ओवर फिर म्यूट करके दोबारा वॉइस ओवर किया। और यहाँ पर आपको गीज़र मिलेगा ही मिलेगा, इनफैक्ट आई थिंक सभी में मिलता है जितनी भी होटल है, क्योंकि मनाली में इतनी ज़्यादा ठंड पड़ती है तो गीज़र तो बहुत ज़रूरत है। तो यहाँ पर गीज़र मिलेगा ही मिलेगा, मतलब 24 घंटे आपको गर्म और ठंडा पानी यहाँ पर अवेलेबल है, पानी का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाथरूम भी काफ़ी स्पेशियस था, काफ़ी बड़ा था, बकेट इन लोगों ने दे रखी थी ऑलरेडी। रूम सर्विस बहुत अच्छी है यहाँ की, मुझे काफ़ी पसंद आई। तो ये रहा मेरा होटल, आपको पसंद आया हो ये रूम तो, और तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मनाली जाइएगा।